फिर से देखो आगे ना भाई, अब किसका पूछ रहा है वो, वेक्टर ए ऑन बी, पहले किसका निकाला था, बी ऑन ए, अब ए ऑन बी प्रूफ करना है, करेक्ट, वही कहानी फिर से करनी है, कर लोगे ना आप ये काम, कर लोगे आप, अब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा, जाएगा। मतलब ए ऊपर आ जाएगा इस पर, करें ये क्या, देखो बेटा ये ए ऊपर आ जाएगा, ये वेक्टर ए होगा और ये कौन होगा, ये वेक्टर बी होगा, ठीक है, ये ओ ए है और ये बी है, ठीक है, अगर यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये एम आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये कौन होगा, थीटा, ये थीटा होगा, ये वेक्टर ए है ना बेटे, समझ आ रहा है, ये वेक्टर बी है, बी है ये वाला वेक्टर बी है, और ये कौन है, वेक्टर ए है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो ओएम तो निकाल ही लोगे ना आप, अरे फिर वही कहानी फिर से पूछ रहा है ना, फिर वही फार्मूला होगा, हो जाएगा ना ये, करें क्या इसे, हो जाएगा नहीं ये, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, OM अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, OM अपॉन OA, फिर वही कहानी फिर से आएगी, OM इक्वल टू क्या आएगा, OA cos theta, क्या हो रहा है, OA cos theta, OA कौन है, वेक्टर A का मॉड, cos theta क्या है, वेक्टर A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, अरे ये फार्मूला नहीं पता है लोगों को, बताओ यार, अरे इधर सुना भाई, इसको नहीं आता है, वेक्टर A डॉट B क्या होता है, मॉड A मॉड B cos theta, तो cos theta इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे नहीं चला जाएगा, अभी तो लिखा है, अभी तक नहीं समझाया उसको, मॉड ए ये आ गया वेक्टर ए डॉट बी, थोड़ा दिमाग लगा उसमें है थोड़ा ना कुछ, वेक्टर ये कैंसिल हो गया, तो आ गया वेक्टर ए डॉट बी अपॉन क्या गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी, बोलो भाई ये कौन आया, ओएम आया, ओएम आया ना भाई, ओएम का मॉड ही एक हिसाब से, और ओएम वेक्टर है क्या, ओएम वेक्टर होगा क्या, ओएम वेक्टर होगा क्या, एक तो ओएम चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, और एक बी कैप चाहिए, डायरेक्शन के लिए बी कैप चाहिए, आगे समझ में, तो वेक्टर ए डॉट बी वो निकाला हुआ है, मॉड बी और बी कैप कीजिएगा, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, अब बाद में हो जाएगा होल स्क्वायर, बाकी हो जाएगा ना भाई, हो गया प्रूफ, तो आ गया वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड बी स्क्वायर और टू वेक्टर बी डॉट, आगे समझ में कि नहीं, तो ये था कंपोनेंट, अब देखो बेटे अब ध्यान से देखा, ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले, कंपोनेंट ऑफ आई कैप, सुनो किसका कंपोनेंट, आई कैप का, इन द डायरेक्शन ऑफ, सुनना जरा, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, देखो बेटे इसकी डायरेक्शन में चाहिए, ऑफ द वेक्टर, वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, कंपोनेंट ऑफ आई कैप इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, इसके तो एक तो पहले तो यूनिट वेक्टर निकाल लो, a unit vector along i cap plus j cap plus 2k cap, इसके यूनिट वेक्टर निकालना तो आएगा i cap plus j cap plus 2k cap अपॉन में क्या जाएगा, अंडर रूट 1 + 1 + 2 4 का स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड है ना, तो आएगा i cap plus j cap plus 2k cap अपॉन अंडर रूट 6, यार कोई डाउट है किसी को, अरे हुआ क्या कि आपने इसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, और उससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो यूनिट वेक्टर आ गया किसके अलोंग, इसके अलोंग, अभी नहीं आया समझ में, तो कंपोनेंट देखो बेटे, हैंस द कंपोनेंट ऑफ आई कैप, किसका कंपोनेंट चाहिए, आई कैप का कंपोनेंट ऑफ आई कैप अलोंग दिस वेक्टर, अलोंग कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर आई कैप अलोंग लिख दूं बेटे मैं, इधर ध्यान दो, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इसके अलोंग चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां बताओ, इसके अलोंग क्या करेंगे, बस सिंपल है, आपने क्या लिखना है, प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लिखोगे बेटे, प्रोजेक्शन ऑफ i कैप ऑन किसके ऊपर, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन क्या है, रूट 6, ठीक है, इसका i कैप का प्रोजेक्शन इसके ऊपर बेटे, ठीक है, तो यह आ जाएगा i कैप डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट 6, ठीक है बच्चे, तो ये हमें पता ही है भाई, इसका मल्टीप्लाई करना आता है ये सभी को, ये तो दोनों जीरो जाएगा, बस ये आई स्क्वायर ही बचा, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, क्या बचेगा, सिर्फ आई स्क्वायर, क्योंकि i का j के साथ क्या होगा, जीरो, क्योंकि i और j 90 डिग्री होते हैं, i और k भी क्या होता है, 90 डिग्री, और भाई वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, ये x वाला है, ये y वाला है, ये z वाला है, पता ही नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा i कैप इंटू i कैप अपॉन रूट 6, और i कैप इंटू i कैप कितना है, 1 अपॉन रूट 6, सो दैट इज आंसर, कंपोनेंट ये आएगा इसका, अभी नहीं आया समझ में, तो इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है भाई, अब आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, किसका, डॉट प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट
इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में डॉट प्रोडक्ट का बेटे हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है ना, यानी कि वर्क डन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्क डन, ठीक है, मैकेनिक्स में यूज किया है, मैकेनिक्स समझते हो ना आप लोग, मैकेनिक्स नहीं पता है, मैकेनिक्स जो फार्मूले आप सभी पढ़े हो ग्रेविटेशन के फोर्स के, वो सब मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स वही है और क्या है। देखो बेटे यहाँ से ये ओबी है, कौन सा वेक्टर, ओ बी वेक्टर, और ये ऑब्जेक्ट है के हिसाब से ये, और ये ए, ठीक है। अब सुनना, ये फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेट टू डू वर्क इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, फोर्स के परपेंडिकुलर अगर होगा तो डिस्प्लेस होगा ही नहीं कुछ भाई, फोर्स मतलब आप नहीं समझ रहे, फोर्स पार्टिकल की अगर आप क्या लगा रहे हो, परपेंडिकुलर पार्टिकल ये रखा है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे लगा तो क्या मूव करेगा, हां वो तो प्रेशर हो गया ना, आगे सुन में सेट टू डू वर्क, लिख दूं मैं या क्या, ये पॉइंट लिखूं क्या, ये इसमें लिखने वाला है नहीं वैसे, कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल, ऑन अ पार्टिकल इज सेट टू डू, इज सेट टू डू वर्क, डू वर्क इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन विच इज नॉट परपेंडिकुलर, विच इज नॉट परपेंडिकुलर, विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स, जो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। आगे समझ में नहीं आया बेटे, ये ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेट टू डू वर्क इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन विच इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना। देखो बेटे ये कौन है, ये जो मैंने लगाया ये फोर्स है एफ, वेक्टर एफ, ये फैक्टर वेक्टर एफ क्या है, फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कितने एंगल से लगाया, थीटा एंगल से, ठीक है, लेट ए पार्टिकल बी प्लेस्ड एट ओ, कहां प्लेस्ड था वो ओ, एंड ए फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय ओबी, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ओबी, बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट ओ, कहां पे एक्ट कर रहा है, ओ के ऊपर, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ओए वेक्टर, किसके डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, ओए वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेट ओए बी द डिस्प्लेसमेंट, ओए को क्या मान लिया आपने, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स आप कितने एंगल से लगा रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, थीटा एंगल से, डिस्प्लेस कितना हो रहा है वो, ओए वेक्टर, कोई डाउट है, तो कंपोनेंट बताओ ओए का, किसका, ओए का, फोर्स के डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, बिल्कुल सही बोला आपने, क्या होगा, एफ कॉस थीटा, नो गलत, देन द कंपोनेंट ऑफ, सुनो पूरी बात फिर से सुनो, कंपोनेंट ऑफ ओए, किसका कंपोनेंट, ओए का, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, फोर्स के डायरेक्शन में, तो वो आएगा मॉड ओए कॉस थीटा, बेटे देखो ये ऊपर जाके हो, अरे ठीक है, मॉड ओए कॉस थीटा ये है ना, इसको परपेंडिकुलर ऐसे फेंकोगे ना आप ऊपर जाके, ये तो गिरेगा जाके, मतलब नहीं समझाया, इसका परपेंडिकुलर इधर गिरेगा ना जाके भाई, ये अब ऊपर वाले का नीचे नहीं पूछ रहा कंपोनेंट, ओबी का नहीं पूछ रहा, इसके अलॉन्ग किसका पूछ रहा है, ओए का कंपोनेंट ओबी के लॉन्ग, मतलब नहीं समझाया, आपने फोर्स का पूछा था ना भाई, वही तो है, ओए कंपोनेंट ऑफ ओए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर एफ के डायरेक्शन में ओए का कंपोनेंट, वेक्टर एफ के डायरेक्शन में ओए का कंपोनेंट, ओए का कंपोनेंट वेक्टर एफ के डायरेक्शन में क्या होगा, ओए का एक यूनिट वेक्टर इनटू कॉस थीटा, और वही तो होता है मॉड ए कॉस थीटा, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये क्या होगी, मॉड ओए कॉस थीटा, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, वर्क डन बताओ फिर क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टू फोर्स, बिल्कुल सही बोला, मॉड मॉड एफ इनटू ये जो है ओए कॉस थीटा, मॉड ओए कॉस थीटा, उसके अलावा ही लोगे ना बेटे, तो ये आ जाएगा वेक्टर एफ डॉट ओए वेक्टर, ये कौन है, ओए वेक्टर ही तो है, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है पूरा, ये मॉड एफ, अरे भाई एफ डॉट ओए करोगे तो मॉड एफ मॉड ओए कॉस थीटा ही तो आएगा, तो वही तो है वेक्टर एफ डॉट ओए, वही तो आएगा कॉस थीटा, भाई a डॉट b क्या होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा, तो वेक्टर f डॉट ओए क्या होगा, मॉड f मॉड ओए cos थीटा, अभी डाउट है क्या, तो ये आ गया वेक्टर f डॉट वेक्टर d, और d क्या है यहाँ पे, ओए वेक्टर, बस ये सिंपली आप ऐसे निकाल दो कि डॉट प्रोडक्ट ही करना होता है इसमें, सिंपली क्या करना होता है, डॉट ये दिया हुआ है आपका 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप और प्लस k कैप, ये दिया हुआ है, और f2 वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एक्टिंग
एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? पार्टिकल के ऊपर. एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल एट ए, मूव इट टू बी, कहां मूव करके ले जा रहा है उसको? बी, बी की तरफ. ठीक है, फाइंड द वर्क डन, क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इफ इफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आर माइनस टू आई कैप प्लस फाइव के कैप, एंड एक और दिया पोजिशन वैक्टर वो दिया थ्री आई कैप. ये यस, बिल्कुल सही बोला आपने, ये डिस्प्लेसमेंट है. ठीक है बच्चे, तो आप पहले तो रिजल्टेंट निकाल दो इन दोनों फोर्स का, वेक्टर आर वो क्या आएगा, दोनों को जोड़ना ही तो है, और क्या करना है, तो आएगा फोर आई कैप प्लस जे कैप बेटे ये माइनस माइनस फोर के कैप. ये रिजल्टेंट आ गया, और ये ओए है, ये ओबी है, पता नहीं लगा, ओए है और ये ओबी है, तो ओए वेक्टर क्या दिया है? माइनस टू आई कैप प्लस फाइव के कैप, और ओबी वेक्टर क्या दिया है? थ्री आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस टू के कैप. तो ए बी वैक्टर क्या आएगा? ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से इसको माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? फाइव आई कैप माइनस करो माइनस ट्वेल्व जे कैप प्लस टू के कैप. कुछ गलती हुई है क्या? देखो जरा माइनस, नहीं सॉरी बेटे, इसमें तो जे था ही नहीं. हाँ, जे था सेवन जे कैप माइनस सेवन जे कैप, ये तो था माइनस थ्री, ये टू में से माइनस का क्या है? माइनस थ्री के कैप. अब सही है, फिर दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस तो पढ़ा ही नहीं अभी आपने. वेक्टर आर डॉट डी देखो बेटे, वेक्टर आर डॉट डी करें बच्चे, इधर ध्यान दो, ये है फोर आई कैप प्लस जे कैप माइनस फोर के कैप, इसका डॉट किसके साथ लेना? इसके साथ फाइव आई कैप माइनस सेवन जे कैप माइनस थ्री के कैप, ये होगा मल्टीप्लाई करो फोर फाइव ट्वेंटी माइनस सेवन, ये बेटे माइनस सेवन आएगा और प्लस क्या आएगा? प्लस ट्वेल्व आ जाएगा, तो सॉल्व करो ट्वेंटी फाइव थर्टीन प्लस ट्वेल्व आ गया. समझ लिया वेक्टर, या तो मैं इसे वेक्टर बोलूंगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट. बेटा उसको स्केलर या डॉट इसलिए बोलते थे क्योंकि जब सॉल्व हो गया उसका कोई कांस्टेंट नंबर आता था, इसमें वेरिएबल भी आएगा जैसे आई कैप और जे कैप. वेरिएबल ना बोलो, वेक्टर आएगा. वेक्टर पॉइंट क्लियर है, इसमें वेक्टर्स आते हैं और उसमें क्या आते थे? स्केलर आते थे सॉल्व होने के बाद में, इसलिए इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इसके बीच में क्या लगता है? क्रॉस मल्टीप्लाई का क्रॉस, उसमें डॉट लगता है. थोड़ा ध्यान रखना, है तो मल्टीप्लाई, क्या डिफरेंस है डॉट और इसमें? सर नो, इसमें वेक्टर में ये नहीं चलता भाई, वेक्टर में थोड़ा ध्यान रखना है ना. ठीक है करें, वेक्टर ही ज्यादा आते हैं. द देखो ये प्रोडक्ट के ज्यादा आते हैं. यस, द वेक्टर प्रोडक्ट, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा अभी. ऑफ टू वैक्टर्स, दो वैक्टर्स का अगर वैक्टर प्रोडक्ट, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, इसको डिनोट कैसे किया जाता है सुन लो भाई, वैक्टर ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कैसे डिनोट होता है? डिनोटेड बाय वैक्टर ए इन टू, मत बोलना क्रॉस, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे. इज डिफाइंड एज क्रॉस, इज डिफाइंड एज, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मॉड ए का मॉड ए आएगा, फिर आएगा मॉड बी, फिर आएगा साइन थीटा, उसमें क्या था? कॉस थीटा, और इसमें सिर्फ एक और आएगा ईटा कैप. ईटा कैप उसमें ए कैप, ईटा कैप क्या है? ये डायरेक्शन बताता है बस, और कुछ नहीं. ईटा कैप का काम, मतलब कैप लगा तो इसका मतलब क्या? डायरेक्शन तो ए और बी बता रहे थे ना, कौन बता रहा? जे के जो भी. नो, सुनो मेरी बात, ए और बी इसका डायरेक्शन किधर है? ये जो आपने क्रॉस निकाला पता कौन है? जैसे मान लो अभी बताता हूँ, जो ईटा कैप बताता हूँ मैं, ठीक है सुनो भाई. वेयर वेयर थीटा इज द, कम से कम पहचान तो ले लोगे ना, थीटा इज द एंगल, क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. नई चीजें सीख रहे हो आप लोग है ना, ये बहुत बड़ी बात है ना. वेक्टर्स ए बी एंड ईटा कैप, ईटा कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल रहा हूँ जो मैं पॉइंट, यूनिट वेक्टर. आगे मैं क्या बोल रहा हूँ? परपेंडिकुलर, क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी, जिसमें ए और बी दोनों लाई करते हैं उस प्लेन के, ईटा कैप है, और ए क्रॉस बी जब निकल के आता है ना रिजल्टेंट, वो भी उसके क्या होता है? परपेंडिकुलर. इसलिए ईटा कैप का यूज क्या है? वो ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसके परपेंडिकुलर. वैसे तो ईटा कैप का यूज ही कोई नहीं है, डायरेक्शन का यूज होता है, क्योंकि वैसे भी यूनिट वेक्टर है ये. परपेंडिकुलर बताता हूं मैं, परपेंडिकुलर का मतलब नहीं समझ रहे हो आप? 90 डिग्री,
इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर, अभी समझ आएगा आपको, देखो वेक्टर बी दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब इसका क्या है कि दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है. द सेंस ऑफ ईटा कैप, द सेंस ऑफ ईटा कैप इज ऑब्टेन्ड बाय, द सेंस ऑफ ईटा कैप इज ऑब्टेन्ड बाय द, एक रूल है जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल. तो फिजिक्स का तो वही तो है, वही है, करंट का रिएक्शन बताता था उसमें, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. दैट इज, देखो बेटे आप ऐसे समझ सकते हो, दैट इज मैग्नेटिज्म ए वेक्टर बी एंड ईटा कैप फॉर्म ए राइट हैंड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बताएगा वेक्टर से तो आएगा वो सब की कौन सी डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात है, वो वेक्टर दिनेश जब लिखा था एफ बी आई कॉस थीटा, देख ये सब था उसमें. अच्छा तो अपनी समझ आ रही थी ये सब क्या था, ये क्या बता रहे हैं उसके ऊपर ऐसा जो साइन है ना, मुझे लगा डायरेक्शन बता रहे, मुझे पता नहीं था वेक्टर इसका मतलब. देखो वेक्टर ए वेक्टर बी ईटा कैप फॉर्म है, सुनो राइट हैंडेड राइट हैंड थंब रूल, क्या बनाएंगे ये राइट हैंड थंब रूल, ठीक है. नहीं राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू, स्क्रू में पेच, पेच पेच नहीं समझ रहे हो आप, पेच पेच को आप ऐसे ऐसे करके खोलोगे तो डायरेक्शन बताएगा बाहर की तरफ आएगा, पेच को अगर आप ऐसे ऐसे करके बंद करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो डायरेक्शन यही से तो पता लगेगी. देखो मैं बताता हूँ, बताओ देखो ये है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी परपेंडिकुलर, मान लो परपेंडिकुलर है, हो सकता है परपेंडिकुलर ना हो, आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, दोनों का प्लेन बताओ कौन है, प्लेन ही पेपर ही तो है ना, वैसा प्लेन इसका प्लेन ये इन दोनों वेक्टर्स का प्लेन कौन है, पेपर ही है, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का प्लेन कौन होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला देखो इधर 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 ये वेक्टर ए है, इधर मेरे थंब की तरफ देखो वेक्टर ए और ये कौन है वेक्टर बी, ऐसे रोटेट करूंगा मैं, ऐसे एंगल ऐसे ले रहा हूं मैं, ये जो बाहर की तरफ थंब दिख रहा है ना आपको, ये मेरा ये थंब किसका डायरेक्शन है, थंब किसका डायरेक्शन है, वेक्टर ए क्रॉस बी का. अच्छा वो करंट कहां से आ गया, करंट कहां लेके मतलब अपवर्ड डायरेक्शन होगा इसका, ये वाला डायरेक्शन, यस ये वेक्टर ए क्रॉस बी, डाउनवर्ड होगा अपवर्ड, और सुनो एक मिनट सुन लो पहले पूरी बात, अगर ऐसे होगा तो डाउनवर्ड होगा ना, यस एक मिनट रुको, ये वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा बाहर की तरफ, तो वेक्टर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, वही वही, तो इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, अभी लोगों को समझ नहीं आया, उसमें कम्यूटेटिव था इसमें ऐसा नहीं है, इसमें होता था इसलिए नहीं आ रहा समझ में, डायरेक्शन चेंज हो गई ना दोनों की, ईटा कैप वाला बता दो एक ही प्लेन में करते हैं, देखो दोबारा से रखो, देखो चलो आप समझ आएगा, ये कौन है प्लेन है, प्लेन वैसे भी प्लेन है, ये वेक्टर ए मान लो इधर जा रहा है कहीं जा रहा है, और ये कौन जा रहा है वेक्टर बी, वेक्टर बी जा रहा है, ये इन दोनों का क्या है प्लेन है भाई, ये वाला जो बनाया है सही है, आप तो कोई डाउट नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, तो ये बताओ ए क्रॉस बी किधर जाएगा बाहर की तरफ, ये प्लेन है ना भाई, वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ लेते हैं हम, ये बाहर की तरफ स्टार्टिंग ए से करेंगे कि बी से करते हैं, हाँ जी आपने स्टार्टिंग जो थंब रूल ए क्रॉस बी अगर बोला है, अगर ए क्रॉस बी तो ए से स्टार्ट करूंगा, अगर बी क्रॉस ए तो बी से स्टार्ट करूंगा मैं, आप ऐसे बाहर की तरफ सुनो, एक और तरीका है आपने मान लो ये पेच लगाया हुआ है, आप ऐसे ऐसे करके उसको क्या कर रहे हो, खोल रहे हो कि बंद कर रहे हो, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हो, खोल रहे हो तो बाहर आएगा पेच, तो डायरेक्शन किसका हो गया बाहर, और अगर उसको बंद कर रहे हैं तो अंदर का, अंदर का, अभी नहीं आ रहा, अभी आ रहा, अब तो आ रहा होगा, ठीक है. तो ये ए क्रॉस बी ईटा कैप जो है इसका कोई यूज नहीं है, बस इतना यूज है इस ईटा कैप का, ये बाहर है बेटे, मैं अब इसमें कैसे बनाऊंगा, ठीक है, ये ईटा कैप का बस इतना यूज है कि ये बताता है कि मैं इस प्लेन के क्या हूँ, परपेंडिकुलर, मैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो टर्मिनल इनिशियल पॉइंट है, हाँ बिल्कुल, और ये वेक्टर ए, वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो ऑब्वियसली इन पूरे प्लेन के 90 डिग्री होंगे, और ईटा कैप का डायरेक्शन, ईटा कैप क्यों लगाया साथ में, क्योंकि ईटा कैप डायरेक्शन के लिए है, किसके लिए है डायरेक्शन, मैं वैसे तो इससे निकाल रहे हो ना थंब रूल से, नहीं डायरेक्शन वैसे भी इससे भी समझ लो, ईटा कैप यूनिट वेक्टर तो चाहिए ना बाहर की तरफ के लिए, ए क्रॉस बी तो आपने निकाल लिया, ए क्रॉस बी तो आपने सॉल्व करके मैग्नीट्यूड एक हिसाब से आया आपका, उसके लिए डायरेक्शन भी तो चाहिए, अब डायरेक्शन का काम तो ईटा कैप करेगा, वो मैंने पहले बताया था, वो हमें डायरेक्शन कैसे बताएगा, डायरेक्शन क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन के, भाई ये बताओ इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, ईटा कैप है, और ईटा कैप से अगर मैं मल्टीप्लाई इसको कर दूंगा तो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये पूरा ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, बात खत्म, क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो,
पॉइंट क्लियर है? नहीं मतलब हम जिससे निकाले थे आप कह रही थी अपवर्ड है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन तो उधर से आ ही रही थी। नहीं वो थंब जो है ना वो ईटा कैप का डायरेक्शन ही बता रहा है। ईटा कैप के तो बता रहा है, ईटा कैप ही तो काम कर रहा है। ए क्रॉस बी का काम क्या है? ए क्रॉस बी क्या करता है? बस मल्टीप्लाई, बस इसका काम क्या है? ए और बी को सॉल्व करना है, रिजल्टेंट निकालता है के हिसाब से ये बस। और ये डायरेक्शन का काम कर रहा है। अभी नहीं आया समझ में? ठीक है, ये राइट हैंडेड सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? राइट हैंडेड। अच्छा बेटे इधर ध्यान दो, देखो अगर कोई कहेगा वेक्टर ए क्रॉस बी का होल मॉड बताओ, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड पूछेगा कोई, तो मैं लिख दूंगा चुपचाप मॉड ए, फिर लिखूंगा मॉड बी, और फिर मैं लिखूंगा साइन थीटा। कोई डाउट है बेटे? मैं ये लिख दूंगा, कोई बताओ भाई सही है बच्चे? इसमें ये साइन थीटा कैसे आया? साइन थीटा बेटे ए और बी के बीच का एंगल है, वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। उसमें अलग अलग ए डॉट बी था ना बच्चे? नहीं कि उसमें हम कॉस क्यों लेते हैं, इसमें साइन ऐसे आप इसमें साइन क्यों ले रहे हैं, उसमें कॉस क्यों लेते हैं, ये कह रहे हो? वो अभी आएगा, समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखो बेटे प्रॉपर्टीज क्या है, एक और कम्यूटेटिव तो नहीं है ये वेक्टर ए क्रॉस बी जो है, कम्यूटेटिव नहीं है। लेकिन आप इसको अगर कम्यूटेटिव बनाना चाहते हो तो आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस मल्टीप्लाई था कि माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर वो वैसा का वैसा डायरेक्शन वही चेंज हो जाएगी। देखो ये क्रॉस बी बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ कौन है? बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर ही है। ठीक है, तो ये नॉन कम्यूटेटिव है, पहली बात तो यही। ये कैसा है? नॉन कम्यूटेटिव है। एक और बात बेटे, ए क्रॉस ए बताओ क्या है? नॉन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर ये इसके साथ ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी के साथ करें, बी ए के साथ सेम रिजल्ट आना चाहिए, बट इसमें ऐसा नहीं नहीं होता। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि मॉड ए, मॉड ए साइन थीटा, और जब ए और ए एक ही डायरेक्शन में तो साइन जीरो क्या आएगा? जीरो। अभी भी आया समझ में? उसमें क्या हो रहा था जो परपेंडिकुलर थे उनके बीच 90 था, तो वन था, ऐसा। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें साइन है, इसलिए जो पैरेलल होंगे, जो पैरेलल होंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। पैरेलल होंगे, यस, ये पैरेलल एक दूसरे के ऊपर ही पैरेलल है ना, पैरेलल होंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पैरेलल है यार, पैरेलल है तो उनका एंगल क्या होगा? जीरो होगा। पैरेलल उनके बीच का कोई एंगल ही नहीं है तो जीरो एंगल। पॉइंट क्लियर है, तो जीरो एंगल होगा तो फिर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अभी डाउट है दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं आई कैप के साथ, जे कैप का प्रोडक्ट कर रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं जे कैप के साथ, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं मैं के कैप के साथ, जीरो ही आएगा। क्या पता क्या होगा? ये दोनों ही क्या है? डिफरेंट का है, ये दोनों ही पैरेलल है, ये दोनों ही पैरेलल है, ये दोनों के बीच का कोई एंगल नहीं, जीरो होगा, जीरो डिग्री होगा, और जीरो डिग्री होगा तो साइन जीरो क्या कर देगा? इसको जीरो कर देगा। थर्ड पॉइंट अभी नहीं आता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है? बिल्कुल है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस फिर सी उधर, ठीक है? सॉरी बेटे यहाँ प्लस का साइन है, सॉरी। ठीक है, अब सही है। तो ए का पहले बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर प्लस ए का सी के साथ। बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? ये कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कौन सा लॉ है बेटे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लिख दो बेटे यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कोई डाउट है किसी को? सही है। फोर नंबर, ठीक है, फोर नंबर लिखे। देखो बेटे एल ए वैक्टर, मतलब एल ए कॉन्स्टेंट है और एक वैक्टर ए है, और एक है एम बी वैक्टर, इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ? क्रॉस कर रहा हूँ। तो एल एम को अलग सबट्रैक्ट करनी, दोनों को मल्टीप्लाई करना, फिर उन दोनों को अलग से क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, ये होता है ए क्रॉस। तो चलो मल्टीप्लाई निकाल, ठीक है बच्चे। और फिफ्थ नंबर है प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जीरो होगा कब? जब ए और बी क्या होंगे? अगर ये कोलिनियर भी हो जाएंगे तो भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ए एंड बी आर पकड़ो, आर कोलिनियर, कोलिनियर, यहां समझा गया? कोलिनियर समझा गया, ठीक है। या इन दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर हो जाए तो भी ये क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाएगा। कोई डाउट है? चलो ये बताओ आप जो बोल रहे थे भाई, आपकी बात कर लेता हूँ, आई क्रॉस जे क्या आएगा? वन। गलत जवाब, जीरो नहीं, 90, साइन 91 ही होता है। तो ये और बच्चा के कैप आएगा। अरे ये क्या है, आपको नहीं बताया? सुनो इसमें ईटा काम कर रहा है कुछ? ईटा ही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। वो परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन के, इसलिए सुनो, ये आएगा मॉड आई कैप, फिर आएगा मॉड जे कैप, फिर क्या आएगा? साइन थीटा। साइन कितना आएगा? 90 डिग्री, और फिर ईटा कैप आएगा। ईटा है कौन? के कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है? के कैप। ये पूरा तो कटकटा के बंद हो गया, बचा कौन? के कैप। डायरेक्शन भी तो बतानी है ना उसके, उल्टा हो गया।
ईटा अभी नहीं समझाया, देखो बेटा इधर से देखो, मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो। अरे भाई रुक जाओ एक मिनट, ये कौन है एक्स एक्सिस है और ये कौन है आई कैप है बेटे, ये वाई एक्सिस है। अगर सर यहाँ पे के कैप और जे कैप दिया होता तो फिर उनका जो आई कैप होता ना, बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ बिल्कुल, ये आई कैप है ये जे कैप है, मैंने इन दोनों का क्या करना है क्रॉस प्रोडक्ट। के बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, आई क्रॉस जे क्या आएगा वन आएगा, लेकिन डायरेक्शन तो बतानी है ना कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर जाएगी, तो वो डायरेक्शन जाएगी अपवर्ड, वो होगा के कैप। अच्छा थंब रूल ही लगा लो, आई क्रॉस जे कैप अगर कोई पूछेगा तो मैं सीधा उसको लिख दूंगा जो भी होगा जो बचा होगा, बिल्कुल। चलो ये बताओ जे कैप क्रॉस के कैप क्या, आई कैप आएगा, बिल्कुल सही, आई कैप के कैप जे कैप इक्वल टू, लेकिन साइन का ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना, ये नहीं माइनस का भी आ सकता है, अंदर की तरफ जाएगा तो माइनस का आएगा, अच्छा हाँ वो डिपेंड करेगा। आप लोग ऐसे ना के क्रॉस आई कैप बताओ क्या आएगा, जे कैप, बिल्कुल सही बोला आपने, के कैप देखो के कौन है ऊपर है, ऊपर है ये ऊपर है ना, यहाँ यहाँ से आप इधर जे कैप, वो के ऊपर है ये ऊपर की तरफ, यहाँ के कैप है और कौन है आई कैप के साथ ले रहे हो आप, किसका आई कैप, तो आई कैप के साथ ले रहे हो तो जे कैप ही तो जा रहा है, देखो ऊपर से ऐसे आ रहे हो, ऊपर से ऐसे इधर ध्यान दो, ऊपर से ऐसे आ रहे हो तो ये किसका डायरेक्शन है, जे कैप, अभी नहीं समझ आ गया, अरे भी ऊपर से के क्रॉस आई के साथ कर रहे हो डायरेक्शन यही बताएगा ना। चलो एक और है, अब मैं आपसे पूछूंगा जे क्रॉस आई बताओ, जे क्रॉस आई माइनस आ जाएगा, क्यों बोला आपने माइनस के कैप, क्योंकि जे क्योंकि अब हम जे से आई की तरफ जा रहे हैं, माइनस के जो हमने पीछे बताया, नॉन कम्यूटेटिव से ना बोलो वैसे, आप देखो डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, ऐसे बोल दो नॉन कम्यूटेटिव से क्या, जे अब बोलो भाई के क्रॉस जे कैप, अब माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, बिल्कुल सही बोला आपने। चलो बताओ आई क्रॉस जे कैप क्या आएगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, माइनस, अब बोलो माइनस, अब कोई डाउट है किसी को बता सकते हो, सही है। अब लास्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर कोई क्रॉस कहेगा जैसे लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा है ए वन आई कैप, तो उसमें तो सिंपल ही था आपको बता दिया ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, यही है, और वेक्टर बी दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, तो आप कैसे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे, आपने क्या करना है आई कैप लोगे यहाँ जे कैप डिटरमिनेंट, और यहाँ आप क्या वैल्यू पुट करोगे ए वन ए टू फिर आप ए थ्री फिर बी वन बी टू बी थ्री बी थ्री और फिर इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं, पहले इसे लेंगे फिर आई कैप लोगे तो उसका पूरा कॉलम चला जाएगा, रो चली ऊपर की बटन ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी टू फिर माइनस का जे कैप आएगा और इसका पूरा कॉलम चला जाएगा, रो चली जाएगी ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन ठीक है फिर प्लस के कैप फिर पूरा कॉलम चला जाएगा रो चली जाएगी ए वन बी टू माइनस ए टू ए टू बी वन दैट इज द राइट आंसर ठीक है, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट से होगा ठीक है, ये समझ आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हो, मैं बता देता हूँ, देखो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, सुनो आई पहले ये पूरा जाके इससे मल्टीप्लाई करता है आई क्रॉस आई करेगा तो क्या आएगा जीरो मतलब आई क्रॉस हाँ ये तो जीरो आएगा सॉरी आई क्रॉस जे करेगा तो के कैप आएगा इसके साथ करेगा तो जे कैप, तो इसलिए तो ये हो रहा है, अच्छा पहले उसका फिर उसका देखो दो दो आ रहे हैं, ऐसे ही कर सकते हो आप, करना चाहते हो घर जाके कर सकते हो, बाद में यही बन जाएगा, पॉइंट क्लियर है, तो इससे बेटर डिटरमिनेंट याद कर लो ठीक है। चलो ये बताओ अगर मुझसे लास्ट पॉइंट एट पॉइंट है, कितना था वो सेवन नंबर था एट पॉइंट है, एट पॉइंट है एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर कितना टाइम हो गया प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इधर लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस बी यही आएगा बेटे ठीक है एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज लैम्डा ए क्रॉस बी ये कोई भी वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो यही तो होगा ए क्रॉस बी और उसको लैम्डा से लैम्डा कुछ भी हो सकता है लैम्डा कुछ भी हो सकता है मतलब एक कांस्टेंट है कोई वैल्यू है लैम्डा इज अ रियल नंबर लैम्डा कैसा नंबर अच्छा परपेंडिकुलर जैसे आई कैप इनटू जे कैप यस वैसे भाई है भाई है बस वो परपेंडिकुलर ही होगा बस आपने जैसे क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो ये आ गया बात खत्म लैम्डा तो ठीक है भाई और आपका ए क्रॉस बी अपॉन में क्या आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी ये कौन है
यूनिट वेक्टर। अच्छा कौन सा वेक्टर है? किसके परपेंडिकुलर है? ए और बी के परपेंडिकुलर। अगर कोई यूनिट वेक्टर की बात करेगा वो ये होगा। आ गया समझ में? आ गया। अच्छा ये बताओ फिर क्वेश्चन आप लोगों ने करने खुद करोगे क्वेश्चन सारे अभी आप? ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर इसका एरिया पूछेगा कोई इस ट्रायंगल का तो आएगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मॉड। ये प्रूफ कराए जाएंगे मैग्नीट्यूड के तो मॉड तो आएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। ये एडजेसेंट साइड है इसकी पैरेललोग्राम की। ठीक है, पैरेललोग्राम बना लो, ट्रायंगल भी बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम ट्रायंगल का भी यही होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या? नहीं नहीं, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का आएगा वेक्टर ए क्रॉस बी। ये है ट्रायंगल का, उसका हाफ है, ये ट्रायंगल का है और ये पैरेललोग्राम का है। ठीक है, और डायगोनल का क्या होगा? अगर डायगोनल दिया हो, मान लो ये डायगोनल दिया हो, मान लो एक वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया है, तो इसका ये आएगा हाफ मॉड ए बी। ये डायगोनल है, बस साइड नहीं है, मतलब हमें इसमें डायगोनल लेट करें। इसमें वेक्टर ए डायगोनल है और ये वेक्टर बी है, इसमें साइड थी। अच्छा ओके, आगे समझ में? मतलब आएगा तो सेम।